मॉर्निंग गाइस, तो जस्ट अभी उठा हूँ, 4 बजे है, 5:40 में पहुँचेंगे अभी, बरेली पहुँचे हैं, मस्त नींद आई, जुकाम थोड़ा सा ठीक है अभी, अच्छी बात है जो ठीक है, आगे जा सकते हैं, जारी करते चले। तो गाइस लाल को आने वाला हूँ, मैं रेडी हो गया हूँ, ठंडा होगा जैकेट और वोट सब पहन के, जीन्स भाई है इसके लेकर सब बता दिया फुल रेडी, तो बस इसके बाद है लाल कुआं कहने, बस लाल कुआं आने वाला है तो चलिए। इस देव भूमि तभी कहा जाता है, सुबह से भजन बजना शुरू हो जाता है, देख किच्छा है अभी तभी जाए जाए हम देख किच्छा, मेरे को पता है ना अच्छा है लाल कुआं किच्छा किच्छा है, तो अब लाल कुआं थोड़ा सा बाहर में पहुँच गया वहाँ पे, और मौसम है बढ़िया सा एकदम, ज़्यादा ठंडा नहीं है। और ये सब लोग अपने सामान निकालने लग गए, देखिए फटाफट क्योंकि लाल को आ गए और घेर देंगे ट्रेन का दरवाजा एज इंडियंस राइट। एंड गाइस एज पर इंडियंस मैं भी आ गया हूँ लाइन में खड़े होने, देखिए हम सब हो गए लाइन पे खड़े और इंतजार कर रहे हैं ट्रेन के रुकने का। अरे रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, ये देखिए मुंबई से आए हुए लोग टी शर्ट पे और मैं पहाड़ी हूँ, मैं हुडेड जैकेट सब कुछ पहन के बैठा हूँ, मेरे को अपने ऊपर ही हंसी आ रही है पता है इन लोगों को देखने का, क्या करें यार ऐसे बाड़ी है छी जी जी, अब सब उतर रहे हैं भैया फटफट उतरो यार, मेरे को भी मुझे भी टाइम दो उतरने का भैया, मेरे को भी उतरनी ट्रेन चल दी, चलो मैं उतरने वाला हूँ फटफट फटफट, अरे चलो चलो जल्दी भानु को भी ढूंढने हैं, भानु को ढूंढते हैं, भानु कहाँ है, भानु 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 जय माता दी पहुँच गए, भानु 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 कहाँ है तू भानु, ये है भानु दाढ़ी वाले बाबा। गाइस पुल में इतनी भीड़, पूरा मुंबई आ गया क्या उत्तराखंड, क्या बात है इतनी भीड़ बाप रे, आने का देख रहे हो भाई बैग उठा दे रहा है, इसको ही कहते हैं ना गाड़ी निकाल रहा है गाइस, अरे यहाँ से हमें जाने पसंद नहीं, ठंडा नहीं हो रहा जितना सोचा था, नॉर्मली है ये नॉर्मल मौसम हो रहा है, अब देखते हैं बाइक में ये सामान आएगा। तो गाइस ये भानु और मैं निकल चुके हैं सफर के लिए, अब आप पूछेंगे बड़ा बैग क्या, बैग हमारा गाड़ी में डाल देंगे, आवाज पता नहीं कैसे आ रही होगी, यही है जिंदगी का दस्तूर, ये देखिए लाल कुआं का सफर चल रही है, टैक्सी में सामान रख दिया और हम निकल रहे हैं पिथौरागढ़ के लिए, भानु जगह अपने घर और कल हम मिलेंगे, बस अभी निकलेंगे, अब हम आ गया मेरा आलू पूरी रास्ते में खाएंगे, चाय पे हो रही बहुत गहरी चर्चा, चर्चा हो रही है मुंबई की चाय अच्छी है यहाँ की भानु कर दिया अलविदा, हम निकल गए आगे के लिए, अब हमारी का सफर दिखाएंगे आपको, अभी हमने चाय पी है और ये भानु जा रहा है पीछे। और ये सफर शुरू गाइस, आप बस व्यू देखो ये पहाड़ों का व्यू, आहा फॉल इन लव विद माउंटेन्स, ऊपर लग रहे तो नहीं देखा वो काम गाइस, थोड़ा सफर हुआ है अभी पेट्रोल भरा रहा हूं गाड़ी में, देखें अब यहां से पहाड़ शुरू हो जाएंगे हमारे, ये उत्तराखंड आते हैं आपको हरियाली दिख जाएगी एकदम हरे हरे पेड़ हरे भरे, हाय 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 सुकून सुकून गाइस, आप सब व्यू देखो यार प्यारी सी रोड दोनों तरफ से पेड़, ओहो हो सुख मजा आ गया, पहुंचे पहाड़ रास्ता का देखो मेरे भाई पहाड़ में नाश्ता, इधर अब देखते हैं पूरी आलू कैसा हो रहा है गाइस, बहुत टाइम बाद मैं घर का खाना खा रहा हूँ, तभी मैंने भानु से मंगवाया था, और यम गाइस बहुत टेस्टी हो रहा है यार, पूरी आलू खा के हम निकल गए आगे को, गाइस रोड देखिए मोड़ है यार, स्टीयरिंग सीधा रहता नहीं है, मोड़ है मोड़ है मोड़ है यार, क्या व्यू है यार, कैसे नहीं किसी को प्यार होगा इस व्यू से, आप लोग एक बार उत्तराखंड आइए आपको मज़ा आ जाएगा, सुख मिलेगा, ऑक्सीजन पर चलेगा सूखने को कैसी होती है, बट बहुत अच्छा है गाइस बहुत अच्छा है, आप बस आओ एक बार बहुत अच्छा है, और अभी जो भैया स्टोरी बता रहे ना उसमें उस बच्चे की डेथ हो चुकी है सुसाइड की, पट 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 जोर जोर से, अब मैंने कहा खाली बोल रहे हैं उस रूम से, हाँ उस रूम से,
मैंने बोला खाली बोल रहे हैं, कौन मकान मालिक लोग, अब कोई भी फिर वो कहते यार हम खाली बोलेंगे अपने मकान का बदनाम कौन कराएगा। फिर मैं रुका वहाँ वाकई में, हाँ मैं रुका उन्हीं के संग मकान मालिक के संग ऊपर दो मंजिले में। मैंने कहा सही है क्या है, मतलब देखूंगा मैं, वो तो डरपोक हुआ ना, वो भाई भाई भी लगता हमारा, वो डरपोक हुआ, मतलब 57 साल का वो हार्ट का पेशेंट है। मैं रुका वाकई में रात को पीट रहा यार वो दरवाजा, बरसात का टाइम दे रहा डालू फिसल के वहीं पहुंचे और पैसेंजर चिल्लाट मारे, हल्ला मत करो गाइस। ये देखिए पहाड़ों के टॉप टॉप पे घर रहते हैं, ये देखिए सिंगल सिंगल घर दिख रहे हैं आपको, जो बता रहा हूँ ऊपर ऊपर पे कैसे रहते हैं, एक तवा के लिए चाय पी लो, चाय ब्रेक बढ़िया स्टॉल बना रखा है इन्होंने यहाँ पे मस्त पहाड़ों के बीच में। टी ब्रेक गाइस, एक बार टी ब्रेक लेते हैं। मस्त है ना गाइस, खरगोश फरारी भाई, खरगोश पकड़ रहा है, पकड़ो पकड़ो, डरते हैं खरगोश भाई, खरगोश पकड़ रहा है, देखते हैं काटते नहीं काटते हैं। देखो देखो आपको ये गोल्डन रिट्रीवर जैसा दिख रहा है, इसका होगा ना, इसका मिक्स ब्रीड ये गोल्डन रिट्रीवर, देखो सूख गया यार ये तो, इसको देखो हड्डियाँ निकल ली है, ये मुर्गे ये सब कुछ है, बट यार ये बेचारे बहुत सुस्त है यार, ये देखो यार खरगोश भी है, ये कैफी नहीं जू है मेरे ख्याल से, सब कुछ है यहाँ, सांप आप भी मिलेंगे अभी, सब कुछ है यहाँ पर भाई, सब कुछ है। अब लड़ाई देखो हटा दिया, कुत्ते और खरगोश की लड़ाई होती है अभी गाइस। तो एक यूनिक स्टोरी, एक बंदर और कुत्ते हैं, तो बंदर जब पैदा हो रहा था तो उसकी मॉम की डेथ हो गई, तो बंदर इनके पास मिला, इन्होंने बंदर को ना कुत्तों के साथ रख दिया थोड़ी देर के लिए, और ये फीमेल डॉग आई तो फिर इनको लगा कि बंदर को मारेगी, फटाफट पहुंची, तब तक बंदर ये कुत्ता ना इस बंदर को दूध पिला रहा था, तो इस कुत्ते ने इस बंदर को पाला है और ये इसको अपनी माँ मानता है अपने साथ ही। क्या लवली, देखो हमारे पहाड़ों में क्या क्या चीजें होती हैं, वाओ ये बहुत ही वो है, पर हमारे रिक्वेस्ट में उन्होंने एक बार केज खोल दिया, क्यों नहीं खोलते थे वो आपने रीजन सुना, देखे खोल दे गायब, बंदर भाग गया, कुत्ता देखो कुत्ता तो भागा भागा, बंदर को देखो अभी ये मचाएगा उत्पाद, इन्होंने कहा पहले इनके कैफे में जाके हमारे बिस्किट चोरेगा ये, फिर इनको डिस्टर्ब करेगा, इन सब कुत्तों से लड़ना शुरू कर देगा, कहाँ गया देखो बंदर पीछे से घुस गया, वो ये ऊपर चढ़ेगा और यहाँ से ना कुत्तों को फेंकते हैं नीचे, अभी तो कुछ ज़्यादा कर नहीं रहे क्योंकि हम सब भीड़ में खड़े हैं। अगले साल तक भी बच्चे देंगे नहीं देंगे, आप कहाँ दे पाएंगे, अरे यार चिपका कितने प्यार से यार, और साइडिंग कर रहे हैं तो छोटा सा काम करो, उसके लिए थोड़ा सा बड़ा पिंजरा बनवा दो, है ना, इतनी सी मेहरबानी करो आप। आप जब पहाड़ों में आओगे ना आपको ये व्यू पॉइंट्स मिलेंगे जगह जगह पर, यहाँ पर आराम से रुकिए बैठिए चाय पानी पीजिए और व्यू का मजा लीजिए, अभी अभी व्यू का मजा ले रहे हैं गाइस, वाओ देखो यार
अरे पहुंच गया मैं घर। आप मेरे चेहरे में खुशी देख सकते हो, चमक ही अलग सी। ये मेरे पिथौरागढ़ की सड़कें, ये मेरा शहर पिथौरागढ़। ओहो फाइनली मैं पहुंच गया गाइस, मुंबई से मैं पिथौरागढ़ पहुंच गया। ये हमारे वहाँ की सड़कें बाजार कह सकते हैं, छोटी छोटी सी गाइस। बहुत खुशी हो रही है, पता नहीं सकता। ये मेरा भाई मुझे लेने आया, देखिए उस राजा वाला फील देख रहा हूँ। भानु ने बैग उठाया, मेरा भाई मेरा बैग ले रहा है। मोटे गुड, इसको कहते हैं VIP ट्रीटमेंट। तभी कहते हैं ना घर कभी कभी आना चाहिए गाइस, तो अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है। कभी कभी आओ खुशी, कभी कभी घर आऊँगा एक एक साल में और ऐसे VIP ट्रीटमेंट लेते रहेंगे। हाँ, ये मम्मा मेरी वेट कर रही है। अरे मेरी मम्मा, आई लव यू गाइस। चलो फटाफट, एंड दिस इज माय जोजो जिससे मैं पहली बार मिल रहा हूँ। जोजो Happy place. जो छुप गया है मुझसे डर के मारे। जो बाहर आना, आजा आजा बच्चा, ले खाएगा। जो पता नहीं क्यों डर रहा है मुझसे, पता नहीं क्यों। आजा मेरा बच्चा, घर का खाना खाई। चलो मैं खाना खा लूँ। बाय बाय। जो पकड़ा गया गाइस, जो पकड़ा गया। जा जो जो मोटा आपका दो तीन दिन से निकला ना। जब कोई बार में थक गया, तो ये बहुत दिनों से निकला ना सर। चलिए गाइस, बाय बाय। चैनल में बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड फॉलो मी। बाय गाइस।